मैंने आपसे कहा था ना, आपकी होने वाली दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी। इसका ये सिंगार देख के मैं अपना फैसला बदल लूंगा क्या? नो, मैं इतना कमजोर नहीं। हमारी वाली, आज से तुम्हारे खिलाफ ही मैंने एक जंग शुरू कर दी है। मैं तुम दोनों से जीत के दिखाऊंगी। ओ एक्चुअली कल रात को मेरा एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें मेरी टांग कट गई है। क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने जहर को फैलने से रोकने के लिए मेरी टांग काटी है। अगर फिर भी पूरे जिस्म में जहर फैल गया तो मैं आगे कुछ मत कहिएगा सर, आपको कुछ नहीं होगा। खुदा आपको मेरी उम्र भी लगा दे। मुनीसा, अगर मैं मर गया ना तो मेरे दिल में हमेशा के लिए एक सवाल रह जाएगा। से भी खुदा के लिए ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मेरी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाएगा। मुनीसा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? मैं इतराफ करती हूँ कि मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे सेवी। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत का ये जज्बा कब पैदा हो गया मुझे नहीं पता चला। लेकिन हाँ, आज मैं कहती हूँ कि मैं टूट के चाहने लगी हूँ आपको। आपने इतने कम अरसे में मुझे जो प्यार दिया, जो एतमाद दिया, वो मेरी 3 साल आज़दवारी ज़िंदगी में मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। जो प्यार मैं अब महसूस करती हूँ, मैंने कभी महसूस नहीं किया था। अगर मैं मर गया ना तो तुम पछताओगी, पछताओगी ये सोच के कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुमने मुझे परखने के लिए इतना वक्त लेकर हमारी जुदाई को बहुत तोल दे दिया। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा सेवी, मेरा दिल कहता है आपको कुछ नहीं होगा। एक मिनट, मेरे ख्याल से रूम सर्विस वाला आया है, मैं जरा दरवाजा खोल। अगर इस हालत में आप दरवाजा कैसे खोलेंगे सेवी? आप वो एक्चुअली डॉक्टर ने व्हीलचेयर दी हुई है ना, बस उसी पर बैठकर दरवाजा खोलूंगा। आप झूठ बोल रहे थे मुझसे, मजाक कर रहे थे आप? जी जनाब, आप सही कह रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँ यहाँ आकर, तुम्हें बात मिस कर रहा हूँ। मैं सारा वक्त ये सोचता रहा जो बात तुम्हारी आंखें कहती हैं वो तुम्हारे होंठों पे कैसे लेकर आऊँ। सेवी, मेरा दिल दहला दिया आपने, जाए मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तुम नाश्ते पे क्यों नहीं आई? दिल नहीं चाह रहा था मेरा, और वैसे भी मुझे क्या पता कि डाइनिंग टेबल कहां पर है। मैं पैसे दे के गया था, शॉपिंग भी नहीं की, और अब तक वही परसों वाले कपड़े पहन रखे हैं। आप तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कहीं से गेस्ट आई हूँ, कोई बात ही नहीं हमारे दरमियान। क्यों, कोई बात हुई है क्या? ये जो कल आया था आपने मेरे अरमानों की वाट लगाई है ना। वाट नॉनसेंस अदा, ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो तुम? अब तुम हुमायूं अली की बीवी हो, किसी टपोरी मोहल्ले में रहने वाली मिडिल क्लास लड़की नहीं हो। अपना दिमाग दुरुस्त करके बैठो यहाँ। ये कुछ पेपर्स हैं, अकाउंट खोलने का फॉर्म है, इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें एज अ हस्बैंड तुम्हें मेरा नाम लिखना है। तो सिर्फ एज अ हस्बैंड ही आपका नाम लिखती रहूं? अपना लहजा दुरुस्त करो, अभी और भी पेपर्स हैं समझाने के। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे भूख लग रही है और कोई है कि मुझसे पूछ ही नहीं रहे। ये पेपर्स रखें, मुलाजिम को भेज रहा हूं, उन्हें फिल कर देना।
और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं खुदा के कर दूंगा. सी यू इन द इवनिंग. मैम क्या हुआ? मैम कुछ नहीं. आपके सेवी सर ने एक बहुत घिनौना मजाक किया था मेरे साथ. ओह, बाहर तक रोने की आवाज आ रही थी, मैं तो डर गई. वैसे क्या मजाक किया था मिस्टर सेवी ने? साथिया कुछ पर्सनल है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूंगी. आई होप यू डोंट माइंड. ओके मैम, नो प्रॉब्लम. आपके लिए चाय या ठंडा भिजवाऊं? जी बिल्कुल, ग्रीन टी भिजवा दीजिएगा. थैंक्स. ओके, टेक केयर मैम. पता नहीं हुमायूं उसके कमरे में गए भी होंगे कि नहीं. नया ड्रामा स्टार्ट हो गया. पता नहीं सेवी कहाँ रह के, पता तो करो. गुड मॉर्निंग मामा. वैसे तुम लड़कों के साथ ना ये बहुत बड़ी मुसीबत है. माए जो है 36 बार फोन करें और तुम लोग एक बार भी फोन करके खैरियत नहीं पता करते हो. यू आर एब्सोल्युटली राइट मामा. मैं अपनी सेक्रेटरी को 6 फोन कर चुका हूँ मगर आपको एक भी फोन नहीं किया. बट आप माए भी कहाँ मौका देती हैं, हमेशा खुद ही फोन कर लेती हैं. ये क्या कहा तुमने? अपनी पीए को तुमने 6 बार फोन किया, वो क्यों भाई? बताऊंगा मामा क्यों. अच्छा, तो कुछ बताने जैसी बात है? हाँ है तो सही. अच्छा ये बताओ तुम रह कहाँ गए हो? तुमने कहा था दूसरे दिन लौट आओगे और 3 दिन हो चुके हैं अब तो. एक्चुअली मामा एक मसला हो गया. अभी रिसेंटली हमें जो ट्राउजर का बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर मिला था ना, उसके लिए हमने ऐसे फैब्रिक के रेट कोट किए थे जो वॉश होके श्रिंक होता. अगर अचानक से पार्टी ने डिमांड कर दी है कि हम उन्हें वॉश करवा के दें, अब अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उससे मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा, अदरवाइज कपड़े के रेट में डिफरेंस मिलेगा. बस वही पजल सुलझाने में लगा हूँ. पूरी डिटेल बता दी लेकिन ये नहीं बताया कि आ कब रहे हो. मामा बस बायर मान जाए या फिर कपड़ा चीप रेट पे मिल जाए तो मैं आज ही वापस आ जाऊँगा. अदर देन मुझे 2-3 दिन और लग जाएंगे. हाँ आप कुछ बात करना चाह रही थी जरूरी. नहीं अब बस तुम आ जाओ तभी बात होगी. ठीक है, अपना ख्याल रखना. All right, mama. अल्लाह हाफिज. पहले मैं अदा से तो पता कर लूं कि सेवी तो उसे जानता है, वो भी सेवी को जानती है. ये आप ही क्या कर रही हैं? खुंडी लगा रही हूँ. लेकिन क्यों? था कि रात को जब हुमायूं तुम्हारे कमरे में आए किसी काम से तो मैं बाहर से कुंडी लगा दूं. इसकी कोई जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर मुझ में ताकत होगी तो मैं छीन लूंगी आपसे. जब मैं तुम्हारी झोली में डाल ही रही हूँ तो छीनने की क्या जरूरत है? तो आपके सामने झोली फैलाई किसने? का फोन. हेलो, कैसी है मेरी बेटी? मैं बहुत मजे में हूँ. अपनी गरीब माँ के घर भी एक वक्त का खाना खा लो बेटा. कैसी बातें कर रही हैं मियाँ? इस गरीब माँ ने तो मेरे शहजादियों जैसे लाड उठाए. ये फोन मैंने वाकई में तुम्हें दावत देने के लिए किया है. अपने मियाँ से कहना हम उन्हें 5-स्टार होटल में खाना खिलाने से रहे, घर में चौथी की दावत रखी है, तुम्हें लेकर आ जाए. अरे हाँ, वो चौथी की रस्म जिसमें वो फल फेंक के मारते हैं. हाँ हाँ वही.
मैंने चौथी पर देने के लिए तुम्हें काफी कुछ जमा कर लिया है। अम्मी हुमायूं कहाँ खेलेंगे चौथी की रस्म? एक भी टमाटर उनके थ्री पीस पे पड़ गया ना तो पता है क्या बोलेंगे वो? What nonsense, what rubbish. आप उनको छोड़ें, मेरी सारी फ्रेंड्स को बुला लें, मैं अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगी। ये बताएं कि कब आना है? कल, लेकिन पहले अपने मियाँ से बात करना, अकेली वकेली मत आना। और फल वल हम नहीं मारेंगे, बहुत महंगे हो गए। कर दिया ना आपने मेरा मूड खराब। अच्छा ठीक है, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। पहले ही बहुत देर हो रही है, आपको पता है हुमायूं ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए शॉपिंग के लिए, आज मैं खूब सारी शॉपिंग करूंगी। सुन पागल, पूरे पैसे ना खर्च कर देना। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शुक्र है अल्लाह तेरा। आप कहीं जा रही हो? जी मैं शॉपिंग पे जा रही थी, मेरे पास कपड़े नहीं है ना। हाँ वाकई तुम्हें नए कपड़ों की काफी जरूरत है। आप आइए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। नहीं तुम जाओ, मैं बाद में बात करूंगी। ड्राइविंग आती है तुम्हें? ड्राइवर साथ ले जाना। जी अच्छा। सुनो हादिया, तुमने बताया नहीं कि सुबह को ये मैडम क्यों रो रही थी? उन्होंने खुद नहीं बताया तो मैं क्या बताती? फिर भी कोई तो रीजन होगा। यही बताया था कि सेवी साहब ने कोई खौफनाक मजाक किया था। खौफनाक मजाक और सेवी साहब ने बिछड़ने की बात कर दी होगी और जुदाई उनको सता रही होगी। अरे भाई तुम क्यों इतनी जली बैठी हो? बस एक दफा मिस्टर फजल दोबारा पाकिस्तान आ जाए ना, फिर तुम देखना मैं कैसे इन दोनों की ना छुट्टी कराती हूँ। क्या इतनी बनती है तुम्हारी ऑनर से? अरे यार रहने दो, छोड़ो, वक्त वक्त की बात है, लेकिन कभी ना कभी तो मेरी बारी भी आएगी ना। खैर तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। अरे आप ये क्या कर रही हैं? दिख रहा नहीं है, कुंडी लगा रही हूँ। लेकिन क्यों? था कि रात को जब हुमायूं तुम्हारे कमरे में आए किसी काम से तो मैं बाहर से कुंडी लगा दूं, फिर मजबूरन हुमायूं को रात तुम्हारे साथ गुजारनी होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मुझ में ताकत होगी तो मैं छीन लूंगी आपसे। ओहो, जब मैं तुम्हारी झोली में डाल ही रही हूं तो छीनने की क्या जरूरत है? तो आपके सामने झोली फैलाई किसने? वैसे भी किसी को मजबूर करके अगर कोई काम करवाया तो खाक काम करवाया। आप में ताकत है तो अपनी जबान से मनवाइए ये बात, मैं भी तो देखूं कि कितनी मुट्ठी में है वो आपके। अच्छा तो सुन लो, मेरे और हुमायूं के दरमियान बहुत फासले, लेकिन अगर मैंने अपनी मुट्ठी में हुमायूं को थाम लिया ना तो तुम कभी भी उसे मुझसे छीन नहीं सकोगी। ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल आप ऐसी हरकतें करके मुझे प्लीज कम आएगी का एहसास मत दिलाएं। मुसलसल आप कुछ दिनों से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने कभी भी तुम्हें डिग्रेड नहीं करना चाहा। अंग्रेजी में बोलने से क्या दिल को तकलीफ कम होती है? मिस हादिया। जी मैम। मेरे सर में कुछ तकलीफ है, मैं जल्दी घर जा रही हूँ। आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग बातें क्या कर रहे हैं? मैंने आपको फाइल कंप्लीट करने दी थी, वो की आपने? जी मैम, वो तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है,
वो तो ये सुंदर सा आ गई थी तो जरा रुक गई। मैं तो बस जा ही रही थी। बहरहाल जो भी है काम कीजिए प्लीज, बातें करने के लिए नहीं है ऑफिस। देखा करवा दी ना खिंचाई। अरे ये कोई यहाँ की मैडम है जो तुम इसकी बातें सुनती हो। अगली दफा कुछ कहे ना तो कहना सिर्फ सर सेवी कोई कहने का हक है मुझे कुछ भी। देखो तुम मुझे अपनी सियासत में मत घसीटो तो अच्छा होगा। सियासत नहीं सच कह रही हूँ। देखो ना कैसे बॉसेस की तरह देर से आई और जल्दी चली गई। सारे उसूल हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं इसके। सर में दर्द है। हेलो सेवी आप ठीक तो है ना? अब तो कुछ ज्यादा ही ठीक हो। तुम सुनाओ। मैं क्या सुना, सुबह जो आपने मुझसे इतना खतरनाक मजाक किया था आपको पता है क्या हुआ? सुबह से मेरे सर में शदीद दर्द है और मैं आज जल्दी घर जा रही हूँ ऑफिस से। It's okay, no problem. You can go. लेकिन मनीषा, I swear, I'm relaxed. एक अजीब सा सुकून मिला है मुझे तुम्हारे अतराम से। और हाँ मैंने मामा से भी इशारतन बात कर लिया। मैं फिर कह रही हूँ आपसे, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। देखो देखो फिर मेरी एक टांग। और इस वक्त मैं वाकई सफर में हूँ। कहीं ऐसा ना हो सचमुच ही मेरा एक्सीडेंट हो जाए। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। अरे वो देखो एक गाड़ी बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही है। सेवी प्लीज मत करे ना ऐसी बातें। अच्छा मैं घर पहुंच के कॉल करती हूँ आपको। खुदा हाफिज। ऑल राइट अल्लाह हाफिज। थैंक गॉड तुमने ये ड्रेस तो चेंज किया। थैंक यू। वैसे मैं अब आपको भी चेंज कर दूंगी। मैं ऑफिस से सीधे तुम्हारे बेडरूम में इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी खैर खैरियत पूछूं। नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। तो क्या ये सड़क है? चलता हूँ मैं।